जागो इंडिया सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। और फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे कौन है वो हैकर जिसने पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को हैक किया, और साथ ही बताएंगे कैसे बड़ी है रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक की मुश्किल। लेकिन पहले देखिए नॉनस्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। पीएम मोदी के नाम से जुड़े एक ट्विटर अकाउंट पर आधी रात के बाद हैकर्स ने अटैक किया। पीएम मोदी के पर्सनल वेबसाइट और मोबाइल ऐप से जुड़ा अकाउंट। ट्विटर अकाउंट से देर रात कई ट्वीट किए गए। पीएम रिलीफ फंड में भी डोनेशन देने की भी की गई अपील। करीब 1 घंटे बाद अकाउंट से ट्वीट्स डिलीट किए गए। चीन के साथ तनातनी के बीच आज यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फोरम का आगाज 3रा सालाना सम्मेलन, जाने माने राजनीतिज्ञ और विशेषज्ञ होंगे शामिल। भारत और चीन के बीच आज फिर होगी ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत। कल 7 घंटे चली थी 3रे दौर की बातचीत। भारतीय सेना ने एलएसी पर बदली अपनी थोड़ी सी पोजीशन। पेंगोंग सो के उत्तरी छोर पर हल्का बदलाव। भारत किसी भी सूरत में ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के पीछे हटने को तैयार नहीं। भारतीय सेना ने कहा यह कदम चीन को डराने के लिए नहीं। भारतीय सेना ने 10 पॉइंट पर निगरानी बढ़ाई है। सर्विलांस के जरिए चीन की तैनाती पर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड हिमाचल नेपाल से सटे बॉर्डर पर भी आईटीबीपी और एसएसबी की तैनाती को बढ़ाया गया। भूटान से सटी सीमा पर भी बढ़ाई गई संख्या। एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने पर चीन ने आलापा शांति का राग। चीनी विदेश मंत्रालय ने द्विपक्षीय समझौते लागू करने से सहयोग की बात की। केंद्र सरकार ने 118 चाइनीज ऐप बैन किए। सरकार ने कहा इन चाइनीज ऐप से भारत की संप्रभुता को खतरा। सरकार ने पबजी मोबाइल ऐप को बैन किया। एप्पस लॉन्चर एप्पस टर्बो ऐप पर भी प्रतिबंध। बायडू और बायडू एक्सप्रेस ऐप पर बैन लगा। चाइनीज ऐप फेस यू पर भी रोक लगाई गई। चीनी ऐप पर भारत के बैन का अमेरिका ने समर्थन किया। आजादी पसंद देशों से मुहिम में शामिल होने को कहा। राजौरी में पाकिस्तान की फायरिंग में सेना का जेसीओ शहीद। 4 दिन के अंदर दूसरी घटना। पुंछ के 2 सेक्टर में भी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। 3 दिन की यात्रा पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। सुशांत केस में रिया और उसके परिवार वालों से आज भी हो सकती है पूछताछ। 14 जून को घर में मौजूद लोग फिर किए जा सकते हैं तलब। सीबीआई ने रिया के माता पिता से बुधवार को दूसरे दिन भी पूछताछ की। डीआईडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई के सवालों का सामना हुआ। बुधवार को सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा से फिर हुई पूछताछ। स्टाफ नीरज और केशव से भी हुआ सवाल जवाब। सुशांत की बहन मीतू सिंह का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया। मीतू सिंह ने मुंबई पुलिस को बताया था सुशांत की बॉडी को उसने बेड पर देखा। मीतू ने 8 जून से 14 जून की एक एक बात मुंबई पुलिस को बताई। कहा सिद्धार्थ ने फोन करके सुसाइड की जानकारी दी। सुशांत की दूसरी बहन प्रियंका का बड़ा बयान। 2013 में सुशांत लो फील कर रहे थे। 2013 में सुशांत अंधेरी में मनोचिकित्सक से मिले थे। डॉक्टर से मिलने के बाद सुशांत ठीक हो गए थे। प्रियंका ने कहा 2013 से 2019 तक सुशांत ठीक थे। नवंबर 2019 में सुशांत ने दोबारा लो फील करने की बात कही। नवंबर 2019 में सुशांत ने इलाज शुरू किया। सुशांत ने मुंबई के डॉक्टर करसी चावड़ा से दवा ली। मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा। सुशांत ठीक नहीं थे। सुशांत किताबें पढ़ते थे, योगा और मेडिटेशन भी करते थे। प्रियंका ने कहा मौत से 10 दिन पहले सुशांत से फोन पर बात की थी। सुशांत लो फील कर रहे थे। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बयान। का परिवार के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। वकील विकास सिंह ने कहा रिया के आने के बाद सुशांत की मानसिक हालत बिगड़ी। विकास सिंह ने कहा पिता की सहमति के बिना सुशांत पर ना फिल्म बने, ऐसा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। वरुण माथुर से भी ईडी ने की 12 घंटे पूछताछ। सुशांत सिंह की कंपनी में बिजनेस पार्टनर रहे हैं माथुर। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से ईडी आज दूसरी बार पूछताछ करेगी। समन भेज कर तलब किया। रिया के भाई शौविक को एनसीबी ने अभी तक नहीं जारी किया समन। सैमुअल मिरांडा को भी नहीं भेजा समन। ड्रग्स चैट मामले में सबूत इकट्ठा करने में जुटी है एनसीबी। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एनसीबी को बासित और जैद से पूछताछ में ड्रग्स सप्लाई और डिलीवरी चेन के बारे में मिली जानकारी। आने वाले दिनों में कुछ और लोग हो सकते हैं गिरफ्तार। ड्रग्स में एनसीबी के शिकंजे में शौविक का दोस्त बासित को आज कोर्ट में पेश कर सकती है एनसीबी। बुधवार को भी पूछताछ हुई। ड्रग्स रैकेट में गिरफ्तार जैद बिलात्रा को भी कोर्ट में होगी पेशी। जैद से 10 लाख रुपए, $2,000 और £180 जब्त। ड्रग्स के मामले पर जैद विलात्रा ने खुले राज बताया कामयाब होने के लिए शुरू किया ड्रग्स का कारोबार। सुशांत ड्रग्स केस में गिरफ्तार फयाज अहमद कोरोना पॉजिटिव। न्यायिक हिरासत के दौरान जेल के अंदर ही क्वारंटीन रहेंगे। कंगना रनौत के खिलाफ ट्वीट को लाइक करने का मामला। मुंबई पुलिस ने आरोप को खारिज किया। मुंबई पुलिस ने कहा मॉर्फ फोटो का किसी ने किया इस्तेमाल, शुरू हुई जांच। संसद में मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल और प्राइवेट मेंबर बिल नहीं होगा। शून्यकाल के बारे में सभापति निर्णय लेंगे। मॉनसून सत्र में सांसदों के सवाल का लिखित जवाब देने पर सरकार कर रही विचार। मौखिक प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे सांसद। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया का प्रश्नकाल का नहीं होना संविधान के खिलाफ। ममता बनर्जी ने पीएम को लिखी चिट्ठी। कहा GST बकाया न मिलने से राज्य के रेवेन्यू में कमी।
जेईई मेंस परीक्षा पर सीएम ममता बनर्जी का बयान, कहा पश्चिम बंगाल के 75% छात्र परीक्षा में नहीं हो गए शामिल। संसदीय समिति के सामने पेश हुए फेसबुक इंडिया के प्रमुख अजीत मोहन, पूछताछ के बाद 90 सवालों का लिखित जवाब देने को कहा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को झटका, एनडीए में शामिल होंगे जीतन राम मांझी ने कहा बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर अभी नहीं हुई है चर्चा। नीतीश की रैली से पहले जेडीयू ने लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफॉर्म, 7 सितंबर को वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे नीतीश कुमार। मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवा के अधिकारियों को दी जाएगी खास ट्रेनिंग, केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। सिविल सर्वेंट को भविष्य के लिए ज्यादा क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव और इमेजिनेटिव बनाना मिशन कर्मयोगी का मकसद है, प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी। उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश होगी जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज, कैबिनेट मीटिंग में फैसला। रेलवे ने पहली बार सीईओ का पद बनाया, बीके यादव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ सीईओ भी होंगे। ईडी ने हवाला डीलर नरेश जैन को किया गिरफ्तार, 550 शेल कंपनियों के जरिए 1,00,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की हो रही जांच। देश में कोरोना ने तोड़ा अब तक का सारा रिकॉर्ड, एक दिन में मिले हैं 82,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, कुल केस 38,48,000 के पार। देश में एक दिन में कोरोना से 1,026 लोगों की मौत, अब तक वायरस ने 67,486 लोगों की जान ली। एक दिन में 67,874 लोग कोरोना से ठीक हुए और अब तक 29,67,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब तक 4,43,00,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट, एक दिन में 10,12,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए। कोरोना से मृत्यु दर घटकर 1.76% हुआ है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। दिल्ली में 2 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना केस आए सामने, एक दिन में 2,509 नए लोग पाए गए संक्रमित, 19 लोगों की मौत। दिल्ली में मेट्रो चलाने की मंजूरी मिली, एलजी अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार का प्रस्ताव माना। महाराष्ट्र में फिर कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 17,433 लोग संक्रमित, राज्य में कोरोना के 2,01,703 पॉजिटिव मरीज। मुंबई में कोरोना वायरस से 1,622 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, मुंबई में संक्रमितों की कुल संख्या 1,48,569। मुंबई में अभिनेता दिलीप कुमार के दूसरे छोटे भाई की भी कोरोना से मौत, एक और छोटे भाई का 21 अगस्त को निधन हुआ था। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत को भी कोरोना हुआ, लक्षण ना होने की वजह से घर पर क्वारंटीन है। यूपी में फिर 5,716 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, 24 घंटे में 75 लोगों की मौत। 3 दिन के सेल्फ आइसोलेशन में गए उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, ओएसडी कोरोना पॉजिटिव। बिहार में एक दिन में कोरोना के 1,969 नए केस का इजाफा, 24 घंटे में 13 लोगों की मौत, राज्य में 88% लोग हो चुके हैं ठीक। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2,976 नए केस, मरीजों की संख्या 1,68,000 के पार। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 1,511 नए केस, 12 लोगों की मौत। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 3,219 नए केस मिले हैं, 11 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में एक दिन में 5,990 लोग कोरोना संक्रमित, वायरस ने 98 लोगों को बनाया शिकार। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 9,860 लोग संक्रमित हुए, 113 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना के 2,734 नए केस, 9 मरीजों ने दम तोड़ा। केरल में 24 घंटे में 1,547 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, एक्टिव मरीजों की संख्या 21,923। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लैब कर्मियों का प्रदर्शन, जूनियर डॉक्टर पर लगाया मारपीट का आरोप। दिल्ली ने 9 रेलवे स्टेशन पर 503 आइसोलेशन कोच तैनात किए जाएंगे, 8,048 बेड हैं। परीक्षाओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया एसओपी, मास्क और हैंड सैनिटाइजर मुहैया कराने होंगे। आईपीएल 13 में खिलाड़ी, ऑफिशियल्स और उनके परिवार वाले पहनेंगे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बैज, कोरोना को देखते हुए फैसला। 7 सितंबर से चलेंगे नोएडा मेट्रो, रेल कॉरपोरेशन ने जारी की गाइडलाइंस। सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 से 11 और शाम को 5 से रात 9 बजे तक चलेगी मेट्रो, रविवार को सुबह 8 से 11 बजे तक और शाम को 5 से 9 बजे तक चलेंगी। आरोग्य सेतु में ग्रीन स्टेटस वाले ही नोएडा मेट्रो में सफर कर सकेंगे, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा विशेष ध्यान। अनलॉक 4 में एयरलाइंस कंपनियों को राहत, अब पूरी क्षमता से 60% पैसेंजर ले जा सकती है विमानन कंपनियां। पीएम केयर फंड में तेजी से बड़ा डोनेशन, महज 5 दिन में आया करीब 3,077 करोड़ रुपए। यूपी के अलीगढ़ में मास्क नहीं पहनने पर 1,000 लोगों का चालान काटा, पुलिस ने 900 रुपए का किया चालान, कोविड नियमों का पालन कराने के लिए खास अभियान। दिल्ली एम्स में 2 हफ्ते के लिए रूटीन ओपीडी रोकी गई, इमरजेंसी वाले मरीजों की ही भर्ती। दुनिया भर में कोरोना के 2,61,00,000 से ज्यादा केस और अब तक 8,66,000 से ज्यादा लोगों की मौत। सैलाब में यूपी के 14 जिलों का बुरा हाल, अब तक 550 से ज्यादा गांव पानी में डूबे। यूपी में बार बारिश बनी मुसीबत, जून से अगस्त तक अब तक 35 लोगों की जान गई है जबकि 157 मकान क्षतिग्रस्त हुए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला। गाजियाबाद के वसुंधरा में बनाया था कॉल सेंटर, कई मोबाइल कंप्यूटर और सिम कार्ड भी बरामद किए गए। कानपुर के 27 माफियाओं की संपत्ति होगी जब्त, कानपुर एनकाउंटर के आरोपी जय वाजपेयी की प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में सीआरपीएफ के एसआई ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीएसएफ ने बैन किए गए सिरप की 1980 बोतलें बरामद की, अंधेरे का फायदा उठाकर भागा तस्कर।
अमृतसर एयरपोर्ट पर कस्टम ने 1 किलो सोना बरामद किया। सोने की कीमत करीब 51 लाख रुपए। जेईई नीट के छात्रों की मौजूदगी इस बार पिछली बार की तुलना में सिर्फ 10% कम। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने जानकारी दी। 1 अप्रैल से 1 सितंबर के बीच 26 लाख से ज्यादा लोगों के टैक्स का रिफंड हुआ। 98,625 करोड़ रुपए का रिफंड। एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने लॉन्च की मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। 4200 मील तक कर सकते हैं सफर, 15,000 मील प्रति घंटे की स्पीड। जिम्बाब्वे में हाथियों के मरने से मचा हड़कंप। किसी जहरीले प्लांट के खाने से हाथियों की मौत हुई और अब तक 22 हाथियों की जान गई है। इटली के शहर वेनिस में फिल्म फेस्टिवल का हुआ आगाज। 77वें फिल्म फेस्टिवल में टिल्डा स्विंटन को किया गया ऑनर।